सुहेज, ये छोटा सा वीडियो मैंने सोचा मैं भी करने जा रहा हूँ, तो सोचा आपको भी बता दूँ, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर ऐसा कोई है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस वीडियो में हम केक को पैनकेक स्वैप पर कैसे स्टेक किया जाता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास $127 का यहाँ पे केक कुछ पड़ा हुआ है। चलिए इसको हम स्टेक करते हैं। कैसे स्टेक करते हैं आपको बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो चैनल है एकदम जेन्यून ट्रस्टेड ब्रांडेड चैनल है। यहाँ पे आपको कोई बकवास वीडियो नहीं मिलती है, कोई हरी गरी टोकन की, एकदम ट्रस्टेड। अभी से समझ सकते हैं आप, पिछला इतिहास देख लीजिए जाकर, एक बार चैनल पर चेकआउट कीजिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको। चला जाना है डैप पे। डैप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पैनकेक स्वैप की वेबसाइट एक मिल जाएगी, ना मिले तो आप सीधे सर्च कर दीजिएगा। तो पैनकेक स्वैप जब इस प्रकार से ओपन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने जो ट्रस्ट वॉलेट का वॉलेट है इसको कनेक्ट कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस नहीं आएगा जैसा मेरे सामने आ रहा है। आपको यहाँ पे स्वीकार के ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको पुल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे इसे हम लोड हो जाने देते हैं। इस साइड थोड़ी देर में लोड होती है पुल्स वाली, फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको स्टेक करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो साइट है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में। ये होता है ऑटो केक। इसमें जो आपको एनुअल पर ईयर आपको मिलेगा, जो APY है इसके 88% है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा हाई मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ऑटो स्टेक है, ठीक है। ये है मैनुअल स्टेक, इसमें आपको अपने हाथों से करना पड़ता है। इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दो बस इन्वेस्ट बना रहेगा। इसमें देखो स्टेकिंग का फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपका जो केक का प्राइस है जब आपका बढ़ेगा, मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ केक के बारे में, एक जो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे फैलाएगी ये न्यूज़, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि केक की सप्लाई जो है लिमिटेड है, लेकिन केक जो है टाइम टू टाइम अपनी जो केक की क्वांटिटी है उसको बर्न करता रहता है। ये सबसे बड़ा इसका फीचर, इसलिए इसका प्राइस गिरता नहीं है और ये दिन पर दिन पंप ही करता है। तो ये है बात इसकी केक की। तो केक कटेगा तो समय बटेगा। तो यहाँ पे सीधे से यहाँ पे ऑटो केक हम करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा APY चाहिए। और जब पाए तब इसे आप कभी भी कहीं भी विड्रा कर सकते हैं और बस $1-2 चार्ज लगता है, $1 सेल लगता है। चलिए आपके सामने ये करता हूँ। मैनुअल केक में APY कम है तो हम ऑटो केक करेंगे और जब पाएंगे तब यहाँ पे विड्रा कर पाएंगे। इसमें देखिए आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, अभी इंटरेस्ट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। साथ में आपकी जो केक की क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिक बढ़ती रहती है, यानी कि इंटरेस्ट मिलता है। दो दो फायदे होते हैं, केक का प्राइस बढ़ेगा उसका भी फायदा मिलेगा, प्लस आपका जो केक है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए यहाँ पे APY पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सॉरी ये मैंने यहाँ पे देखिए इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है नीचे वाले पे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सारी शर्तें आपके सामने लिख के आ गई। ये ऑटो केक है, यहाँ पे आपको इनेबल की बटन मिलेगी, इससे इनेबल होगा। 88% APY है। इसमें देखिए लिखा है जब आप इसे अनस्टेक करेंगे तो इसमें 0.1% फी बस कटेगी, यानी कि जब आप इसे विड्रा करेंगे तो इसमें 0.1% फी कटेगी, वो भी जब आप 72 घंटे में करेंगे स्टेक करने के, ठीक है। यदि आप 72 घंटे बाद करते हैं तो कुछ नहीं कटेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका विड्रा हो जाएगा। इनेबल की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इनेबल के बटन पर क्लिक किया तो इसे अप्रूव कर देना है, थोड़ी फीस कटती है बस, उसके बाद फिर आपका स्टेकिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है इनेबल किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने हुआ सारा कुछ। अब यहाँ पे देखते हैं अगला पेज क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेक का जो ऑप्शन है हमारे सामने अनलॉक हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्टेक की बटन पर क्लिक करेंगे और उसे केक को स्टेक की बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे आएगा कि कितनी क्वांटिटी आप स्टेक करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम यानी कि हम अपनी 5.31 जो भी हमारा केक है वो सारा कुछ हम यहाँ पे स्टेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कंफर्म की बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फीस काटी जाएगी, उसको फीस को अप्रूव कर देता हूँ। तो यही बस $1-2 का कुछ रहता है चक्कर, और बस एक बार स्टेक कर दीजिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, बार बार मत कीजिए अनलॉक और स्टेक, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइएस्ट प्रॉफिट इसी में है। तो यहाँ पे तो मैं आपको तब तक कंफर्म हो रहा है ये भी बता दूँ, ये $114 लिख के आ रहा था, इधर जो $114 लिख के आ रहा था उसका यहाँ पे देख लिया स्टेक हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इधर जो $114 लिख के आ रहा था इसका मतलब ये था कि अगले साल तक, एक साल में $114, यदि यही $23 अभी प्राइस चल रहा है, यदि यही प्राइस रहा अगले साल तक, बल्कि इतना का इससे ज़्यादा ही जाएगा, तो आपको $114 का केक बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा। वो जो $114 इधर लिख के आ रहा था उसका मतलब यही था, जो ROI थी वो यही थी कि $114 आपका एनुअल, यानी कि अगले साल आज की तारीख तक यदि $23 प्राइस रहा, इतना तो रहेगा, तो आपको $114 का केक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेटर था। तो यहाँ पे हमारा जो केक है वो वहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, स्टेक हो गया है।
ठीक है, यहाँ पे स्टेक हो चुका है, 88% की एपीवाई है। यहाँ पे आपकी स्टेक की जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिखेगी कितना, देखिए अभी थोड़ी देर में इतना मतलब बना है लेकिन छोटा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप हो सकता देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो केक हमने स्टेक किया वो 5.31 स्टेक किया। अब इसकी एपीवाई कितनी बनती है वो हम देख लेते हैं, ज़रा कैलकुलेट करते हैं। 5.31 का यदि हम एपीवाई निकालें 88% के हिसाब से, तो इसका अभी हम देखते हैं। वैसे हमारी गणित थोड़ी कमज़ोर है लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं। 88 टोटल अपॉन 100, तो यहाँ पे हमारी जो 88% बनी है यानी कि 4.6 बनी है, वही देखिए हम बता रहे हैं करीब करीब $114 आपकी अगली एक साल में हो जाएगी, $114। ठीक है, तो वही 4.67, यदि इसको हम 4.67 को इनटू करें 23 के चल रहा है, तो देख लीजिए करीब करीब वही बनेगा। मैंने दशमलव दशमलव नहीं लगाया तो इसलिए यहाँ पे $114 यदि आप एनुअल के हिसाब से देखें तो 88% के हिसाब से $114 आपका बनेगा, $23 के हिसाब से एनुअल यदि देखा जाए। तो इस प्रकार से एपीवाई आप स्टेक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा, फायदे में रहेंगे। बार बार करेंगे तो उसमें फीस पड़ेगी बार बार, आपका डॉलर कटता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप स्टेक कर सकते हैं।